याचक बनकर आया हूँ। हाँ हाँ तो हो गुरु, अपने आगमन का कारण तो बताओ। हे गुरुदेव, जिस तरह बिना पति के पत्नी, बिना श्रद्धा के शिष्य और बिना न्याय के राजा पाप की खान होता है, उसी प्रकार एक पुत्र का जीवन भी बिना माता पिता की भक्ति के नरके कीड़े के समान होता है। आपको तो क्या भी है कि मेरे माता पिता में सदैव ही अंधापन है, बस वह ही मेरे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि मिटे जीवन मेरा और आत्मा में उनकी बल आए, महारोगी मैं बनूं और वह रोग मुक्त हो जाए, न्योछावर उन पर हो जाऊं, कहते अगर कोई मैं अपने प्राण भी दे दूं जो उनकी दवा हो कोई। धन्य है सावन कुमार, धन्य है, परंतु क्या तुम अपने माता पिता का अंधे होने का कारण भी जानते हो? हे गुरुदेव, नहीं जानता, परंतु जानने की अभिलाषा जरूर रखता हूँ। तो सुनो पुत्र, तुम्हारे माता पिता सदैव से अंधे नहीं थे, परंतु उनके कोई पुत्र नहीं होता था, तब उन्होंने कठोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, तुम्हारे भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं है, आप पुत्र का मुख नहीं देख सकते, परंतु हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न है, यदि आप अंधा होना स्वीकार करो तो हम आपको पुत्र दे सकते हैं। इसी कारण उन्होंने अंधा होना स्वीकार किया और पुत्र मान लिया। उपकार, महा उपकार, आज मुझे पता चला कि मुझ पर मेरे माता पिता का कितना बड़ा ऋण है। मेरे कारण पृथ्वी पर से सूखे पत्ते खाए, सर्दी गर्मी सही, और अंत में अंधा होने की शर्त भी स्वीकार की है। दाता उपकार, महा उपकार, परंतु मैं भी यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने माता पिता की भक्ति में अपने प्राणों का बलिदान कर दूंगा और इस संसार को माता पिता की भक्ति दिखाता हुआ अपने जीवन का अंत कर दूंगा। अपनी चिंता कुछ नहीं, मुझे चिंता है उनके काम की, जिस तरह भी बन सके रथ बने उनके आराम की। धन्य है पुत्र, धन्य है, यदि आप अपने पिता को रामेश्वरम, बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि तीर्थ स्थलों की यात्रा कराओगे तो भगवान आपकी इच्छा पूर्ण करेगा और वह जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो। अभी यह संवाद मैं माता पिता को जब सुनाता हूँ, मैं खाली हाथ आया था और थोली भर कर जाता हूँ। परंतु श्रवण कुमार, तुम अपने माता पिता को घन गंभीर जंगलों में कैसे ले जाओगे, और तो अंधे प्राणियों को पर्वत की कंदराओं में इस तरह से ले जाओगे? महाराज, श्रद्धा के आधार पर, भक्ति के सहारे पर, गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से बनाकर काट की कावड़ उन्हें कांधे चढ़ाऊंगा, तिरंगा लेकर उन्हें तीर्थों पर और नहान करवाऊंगा, झुकाऊंगा यह सर भगवान की प्रतिमा समझकर। धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। तथा आप अपने माता पिता को लेके सारे तीर्थ स्थान घुमाइए। ठीक है महाराज, अब आज्ञा दीजिए, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। धन्य है पुत्र, धन्य है, तुमने पुत्र रतन देके हमारा उद्धार कर दिया। मान मर्यादा सदन धन संप्रदा, भला क्या चाहिए, जिसको ऐसा सुख मिले उसे और क्या चाहिए। मात पितामह देवता सुख सागर सुख दाम, आज्ञाकारी पुत्र का साष्टांग प्रणाम। जीवित रहो पुत्र, कहो गुरु वशिष्ठ से हमारे नेत्रों की क्या दवा लाए।
पिताश्री गया जब आपके हित में उनके पास मैं आचक बतलाई उन्होंने और सच्ची इस रोग की नाशक कराओगे जो उन्हें तीर्थ पूरी सुंदर श्रद्धा से तो अच्छे नेत्र भी हो जाएंगे ईश्वर की कृपा से। परंतु बेटा हम तो अंधे हैं, हम बूढ़े हैं, हम निर्बल हैं, हम तीर्थ यात्रा किस प्रकार पूर्ण करेंगे? पिताजी तो चिंता ही क्या है, यदि आप बूढ़े हैं तो मैं तो बूढ़ा नहीं हो गया, यदि आप निर्बल हैं तो मुझ में तो बल है। बनाकर काट की कावर आपको कांधे चढ़ाऊंगा और स्थान स्थान का गमन कराऊंगा और अपने इन्हीं हाथों से रसोई बनाकर आपके भोजन का प्रबंध करूंगा। मेरी आंखें दिखाएंगी रास्ता आपको दिया बनकर, मेरे करेंगे हाथ सेवा आपकी और सेवक पिता बनकर, जो नहीं आए काम ये पाँव तो इन्हें जुदा कर दूंगा। और इशारा है यदि आपका तो अपने प्राणों का अंत भी कर दूंगा। धन्य हो बेटा तुम, धन्य हो। कौन कहता है कि तुम केवल प्रिय संतान हो, आत की ज्वाला हो बेटा, देखे तुम प्राण हो। ठीक है माता जी, पिताजी मैं अभी जाता हूँ और कावड़ का प्रबंध करके लाता हूँ। हे ईश्वर आप धन्य हो जो हमें इस बूढ़ी में अवस्था में इतना अच्छा पुत्र दिया, आप धन्य हो। क्यों ना हो श्रवण के पिताजी, जिसको ऐसा सुध मिले उसको भला क्या चाहिए, पुत्र रतन देकर ईश्वर ने हमारी आंखें ली, लेकिन आंखों का तारा हमें दिया है, हम उस ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद करते हैं। हम आंख के अंधे जरूर हैं, लेकिन सर्वर जैसा पुत्र पाकर। क्यों ना हो श्रवण के पिताजी, जिसको ऐसा बेटा ईश्वर ने दिया हो वह भला अंधा किस प्रकार कहलाएगा, हमारे नेत्र न होते हुए भी हमारा बेटा हमें अनेकों अनेक तीर्थ कराने ले जा रहा है, हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हम पर ईश्वर की कितनी कृपा है। और गुरु वशिष्ठ जी ने कहा है यदि वे सारे तीर्थ हम कर लेंगे तो शायद हमारे नेत्र भी वापस चले आए। सही कहती हो, सही कहती हो सरोवर की माता जी, अब तो ईश्वर से ही हमारी कामना है कि सरोवर जैसा पुत्र हर किसी को दे और हर किसी के माता पिता ऐसे ही धन्य होते रहे। इस तरह से बेटा सरवण, क्या आपकी कावड़ बनकर तैयार हो गई? हाँ माता जी, बस कुछ क्षण रुकिए और मैं आपको अभी लेके चलता हूँ। धन्य है प्रभु, तेरा लाख लाख धन्य है। श्रवण कुमार जैसा पुत्र ईश्वर सबको दे, हर एक आंगन में मेरे पुत्र जैसा पुत्र हो ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। इस तरह से श्रवण कुमार जी दांत की कावर लेकर माता पिता को किस प्रकार से तीर्थ तीर्थ जा रहे हैं, यही दृश्य आपके सामने दिखाया जा रहा है। माता जी, पिताजी, अब हम अयोध्या के निकट आ गए हैं, चलिए कुछ देर यहाँ विश्राम कीजिए और यदि कुछ आज्ञा हो तो कृपया दीजिए। बेटा श्रवण, आज फिर जन्मभूमि की रज मिली, धन्य हो बेटा सरवण, तुम धन्य हो। बेटा सरवण जी, माता जी
बेटा मेरा कंठ प्यास के मारे सूखा जा रहा है, यदि हो सके तो कहीं से थोड़े जल का प्रबंध करो बेटा। अवश्य करूंगा माता जी, अवश्य करूंगा। मैं आपको इस वृक्ष के नीचे बिठाकर जाता हूँ और अभी कहीं से जल का प्रबंध करके लाता हूँ। बेटा जल्दी चले आना, अधिक विलम्ब न लगाना। जी माता जी।